नीचे वाला पत्थर आपको नजर आ रहा है, ये नीचे से जब पानी आते हैं तो नीचे पंखा लगा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये नीचे वाला हिस्सा है, ये बड़ा पंखा आपको नजर आ रहा है ना, तो ये जब घूमता है तो ऊपर वाला जो पत्थर आपको दिखाया था वो घूमने लगता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक नई वीडियो में फिर से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं एक पुराने जगह पर एक पुराना चीज दिखाने के लिए, जो कि इंतहाई पुराने जमाने में यूज किया करते थे। तो मतलब जब पुराने जमाने में बिजली वाला चक्की नहीं हुआ करते थे तो लोग पानी से चलने वाला चक्की इस्तेमाल करते थे। तो ये भी एक पुराना पानी से चलने वाला चक्की है। तो खैर लोग अभी इसको यूज करते नहीं है क्योंकि बिजली का ईजाद हुआ, बिजली वाले चक्की आ गए तो लोग उसका ज्यादा यूज करने लगे क्योंकि इसमें ज्यादा देर लगता है गंदम पीसने में। 2 से 3 दिन तक लोग यहाँ पर बैठकर अपने पूरे साल का गंदम पीस के ले जाते थे। तो अभी ये यूज में नहीं है लेकिन हम आपको इसका पूरा मंजर दिखाते हैं, तो चले देखते हैं। तो चले अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं। इतना खौफनाक है, बहुत अंधेरा है क्योंकि ये बहुत पुराना है। तो दोस्तों ये पुराना चक्की है तो इसका हाल अभी आप देखें, इसमें गंदम डालते हैं तो यहाँ से आके नीचे जो बड़ा पत्थर आपको नजर आ रहा है, ये नीचे से जब पानी आते हैं तो नीचे पंखा लगा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो नीचे से ये घूमता है तो ये पत्थर भी घूमने लगता है और यहाँ से गंदम आते हैं और ये पत्थर इसको पीस डालते हैं। तो दोस्तों इसका प्रोसेस कुछ यूँ है कि यहाँ जब इसमें गंदम डालते हैं तो यहाँ से आके गुजर के यहाँ इस जगह से नीचे आता है, तो यहाँ से अंदर चला जाता है गंदम। तो ये जो बड़ा पत्थर है, ये दो पत्थर लगा हुआ यहाँ पर देखें, जब ये घूमने लगता है तो यहाँ से गंदम अंदर चला जाता है और इसको पीस डालते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब इसी का हिस्सा है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जब ये घूमता है तो इसके साथ यूं यूं लगते हैं तो इसको यूं हिलाते हैं, ये तो जो गंदम है वो नीचे आता है और यहाँ आके पीस डालते हैं। और ये जो पत्थर लटका हुआ है ना, तो ये इसको कम ज्यादा करने के लिए। तो दोस्तों ये नीचे वाला हिस्सा है, ये बड़ा पंखा आपको नजर आ रहा है ना, तो ये जब घूमता है तो ऊपर वाला जो पत्थर आपको दिखाया था वो घूमने लगता है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ से पानी आता है, ऊपर से थोड़ा बड़ा किया हुआ है, नीचे से थोड़ा छोटा किया जाता है कि पानी प्रेशर से आए और पंखा घुमा सके। तो हम पंखा घुमाने की कोशिश करते हैं, नहीं यार जम गया है, घूमता नहीं है क्योंकि बहुत पुराना है ना, कई सालों से ये यूज में नहीं है। तो इसका दूसरा हिस्सा ऊपर जाके हम दूसरे साइड जाके आपको दिखाते हैं। तो ये लकड़ी का बना हुआ जो चीज आपको नजर आ रहे हैं, ये पानी के गुजरने के लिए रखा हुआ है। इसको तेज़ इसलिए रखा हुआ है ताकि पानी प्रेशर से गुजरे और पंखा तेजी के साथ घूमे। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ से पानी जाता है सीधे नीचे और प्रेशर के साथ जाता है, पंखे पर लगता है और तेज़ी के साथ पंखा घूमने लगता है। तो यहाँ से पानी आता है, देखें पुराना होने की वजह से ना इसका सत्यानाश हुई है। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा किया हुआ है और नीचे वाला थोड़ा छोटा किया हुआ है ताकि पानी प्रेशर के साथ गुजर सके। Thank you.
उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड अच्छे वीडियोज़ बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।